हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। जैसे जैसे आपकी ट्विंस डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है तो आप एक ही बात सोच रही होंगी कि मैं ट्विंस को अकेले कैसे मैनेज करूंगी। तो यहाँ पे मैं बता दूं, आपको बिल्कुल भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बाद में सब हो जाता है, धीरे धीरे आप सब सीख जाती हैं। मैं भी अपने ट्विंस को बिल्कुल अकेले ही मैनेज करती हूँ और मैं बहुत इजीली अब कर लेती हूँ। और शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में चाहे आप बिल्कुल न्यू मदर हो या फिर कोई भी मदर हो, अगर आपके ट्विंस है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि क्या होता है, एक बच्चे का ही करना मुश्किल हो जाता है, उसके बाद में फिर दो दो का। जब तक आप पहले बच्चे का करती हैं तब तक दूसरा उठ जाता है, जब तक आप दूसरे का करेंगी तब तक पहला उठ जाएगा। तो शुरुआत का जो टाइम है उसमें तो आपका जो पूरा दिन है बस बच्चों की जो है पोटी साफ करना, उनकी नैपी चेंज करना, उनकी मालिश करना एंड उनको तैयार करना, उनको दूध पिलाना, उनको सुलाना, फिर वो उठ जाते, फिर उनको खिलाना, फिर मतलब शुरुआत में तो यही आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी और ये बिल्कुल नॉर्मल है जो कि आपको फेस करनी ही पड़ेगी और इसका कोई भी सलूशन नहीं है। हाँ, बस एक ही सलूशन है, अगर आपकी कोई हेल्प करने वाला है तो आप उसको जरूर बुला लीजिए, इससे आपको थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। लेकिन ट्विंस कोई एक दिन में तो बड़े होते नहीं है, तो इसलिए आपको अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा। आप किसी को भी बुलाएंगे भी तो वो बहुत ज्यादा एक महीने बना रहेगा या फिर दो महीने, बट आपको तो अकेले मैनेज करना ही पड़ेगा बाद में। तो शुरुआत में तो आपका रूटीन नहीं बन सकता है। ट्विंस में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है आपको अपना रूटीन हर हाल में सेट करना ही होगा। डिलीवरी के बाद में जैसे ही आप थोड़ा फिट होने लगे, जैसे ही बच्चे थोड़े समझदार होने लग जाए, वो बैठना स्टार्ट कर दे, उठना स्टार्ट कर दे, तो आपको उनका एक रूटीन बना के ही चलना होगा। अगर आप ट्विंस के साथ अपना रूटीन सेट नहीं करती हैं तो आपको उनको मैनेज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। शुरुआत में आप कितनी भी कोशिश करेंगी नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन बाद में आप धीरे धीरे उनको आदत डालिए एक साथ खाने की, एक साथ उठने की, एक साथ सोने की एंड एक साथ खेलने की, तो इससे क्या होगा, आपको भी थोड़ा बहुत टाइम मिलने लग जाएगा। अगर आपने उनकी ऐसी हैबिट डाल दी कि एक बाद में खा रहा, एक पहले खा रहा, एक बाद में सो रहा, एक पहले उठ रहा, तो इससे आपको तो फिर 24 घंटे में एक मिनट भी टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करें जैसे जैसे आपके ट्विंस समझदार होना स्टार्ट हो जाए, आप उनको जो है हर हाल में उनकी हैबिट जरूर डाल दें। हाँ, शुरुआत पे आपको थोड़ी दिक्कत होगी उनका रूटीन सेट करने में। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको हर हाल में जैसे ही आप फिट होने लग जाएं तो आप सुबह जल्दी उठना जरूर स्टार्ट करें। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठती हैं तो फिर आप ट्विंस को मैनेज करने में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप देर तक सोएं या फिर आप बिल्कुल ना सोएं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों को हर चीज टाइम से ही चाहिए और अगर आप उन्हें नहीं देती हैं तो वो और ज्यादा आपको परेशान करेंगे। और मैं बता दूं आपको कि ट्विंस होने के बाद में आपको अपना आराम और आपको अपनी नींद तो आपको हर हाल में छोड़नी ही पड़ेगी, हर किसी को छोड़नी पड़ती है, क्योंकि जब तक वो प्रॉपर समझदार नहीं हो जाएंगे तब तक आपको सोने को बहुत ही कम मिलेगा और ये बिल्कुल नेचुरल बात है। तो आप इसमें बिल्कुल भी ना घबराएं, आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि आप एक स्पेशली ट्विंस मदर है जिनकी नींद पूरी नहीं होती है। हर ट्विंस मदर का यही हाल रहता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ट्विंस 18 मंथ के हो गए हैं लेकिन मैं फिर भी नहीं सो पाती हूं, तो फिर आप समझ सकती हैं आप शुरुआत में कैसे सोएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको ट्विंस होने के बाद में जब आप नॉर्मल होने लग जाए तो आप जो भी काम करें स्पीड में काम करने की आदत डालनी है। आपको जाना ये नहीं देखना है कि झाड़ू ऐसे नहीं लग रही, वैसे नहीं लग रही, फटाफट से लगा डालिए, मतलब जो भी है फटाफट से कर डालिए, तभी आप जो है मैनेज कर पाएंगी, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको अपना पेट हर हाल में भर के रखना है, फिर आप चाहे दूध पिए, चाहे आप लड्डू खाएं, चाहे आप हरीरा लें, चाहे आप दाल पिए या सिर्फ सब्जी खाएं, मतलब कुछ भी खाएं जो भी आपको टाइम मिले, बट आप ध्यान रखिए कि आप जो है कुछ ना कुछ जरूर खाती रहें, क्योंकि आप जितनी ज्यादा भूखी रहेंगी आपको उतनी ही ज्यादा ट्विंस को संभालने में दिक्कत होगी, प्लस उतनी ही ज्यादा गुस्सा आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आपके ट्विंस छोटे हैं तो आप उनको समझने की कोशिश कीजिए कि वो आखिर क्यों रो रहे हैं, आखिर उनको चाहिए क्या है, क्योंकि बच्चे जो है बिना वजह के नहीं रोते हैं, वो ज्यादातर जो है जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तभी वो रोते हैं। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। एंड इसके बाद में आपको एक बात और ध्यान रखनी कि आपको ऐसा नहीं करना है जैसे आपने कोई भी खाने की चीज नहीं बना पाई है, तो अगर आपके ट्विंस सो गए हैं तो आपको झाड़ू पोछा बर्तन अगर आपका नहीं हुआ है तो आप वो सब बाद में करें, पहले आप अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर बना लें। और शुरुआत में अगर आपका मिल्क आता है अच्छा सा तो आप कोशिश करें दोनों बच्चों को अपना ही मिल्क दें। कुछ महिलाओं का मिल्क नहीं आता है, थोड़े दिन आता है, तो उनका एक रीजन यही ज्यादातर रहता है कि वो जो है अच्छे से अपनी क्लैब लाइन नहीं कर पाती हैं। तो मैं आपको बता दूं ट्विंस में आप अगर ये सोचें कि शुरुआत में स्पेशली कि मैं प्रॉपर दाल रोटी सब्जी एक साथ खाऊंगी तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको जो मिले जो बन जाए आप तुरंत ही खा लीजिए। मैं भी ऐसा ही करती थी, दाल बन गई तो दाल ले ली, सब्जी बन गई तो सब्जी ले ली, मतलब जो भी चीज बन जाती थी। शुरुआत में मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं पाया था कि मैं दाल रोटी प्रॉपर खाऊं या सब्जी रोटी प्रॉपर खाऊं, और रात में ही ऐसा हो पाता था जब मेरे हस्बैंड आ जाते थे तभी मैं जो है रोटी सब्जी या फिर दाल रोटी अच्छे से बना
बना पाती थी, क्योंकि दिन में अकेले रहने के बाद में जो बन जाता था, जैसे हो जाता था, मैं कर लेती थी। और आपको भी यही करना ही होगा, तभी आप ट्विंस को जो है मैनेज कर पाएंगी। और इसके अलावा आप एक बार ध्यान रखें, अगर आपका मिल्क नहीं आता है तो आप बच्चों को फॉर्मूला मिल्क ही दें। आप बच्चों को गाय या भैंस का दूध ना दें। गाय या भैंस का दूध आप 8 से 9 महीने के बाद ही स्टार्ट करें, क्योंकि शुरुआत में बच्चों को काफी ज्यादा नुकसान करता है गाय या भैंस का दूध, वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। डॉक्टर भी जो है यही सजेस्ट करते हैं कि आपको शुरुआत में बच्चे को फॉर्मूला मिल्क ही देना है। आप जो है 24 घंटे उतने ही रूटीन में रहने वाली है, तो आपको कभी कभी बहुत गुस्सा भी आ सकती है, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या जिंदगी हो गई है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि होता क्या है, बोर हो जाते हैं करते करते और काफी दिनों तक करना पड़ता है। तो आप कोशिश करें, आप जो है सुबह उठ के थोड़ा बहुत जरूर टहल लिया करें, इससे आपका थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहेगा। और फिर जैसे ही आपके ट्विंस जो है 7-8 महीने के बाद बैठने लग जाएंगे, ऊपर का खाना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको काफी ज्यादा आराम हो जाएगी। और मैं अपनी बात करूं तो जब मेरे ट्विंस हुए थे तब मुझे जितनी दिक्कत थी, अब मुझे इतनी इस साल नहीं है। और जब तक आपके ट्विंस 1 साल के होंगे उसके बाद में फिर आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, मुझे भी नहीं होती है। मुझको जो है थोड़ा बहुत टाइम आराम से मिल जाता है, और इसका एक सबसे बड़ा राज यही है कि मैंने अपने बच्चों का प्रॉपर रूटीन सेट कर रखा है। मैंने उनकी ऐसी हैबिट डाल दी कि वो एक साथ ही सोते हैं, एक साथ ही खेलते हैं और एक साथ ही खाते हैं, मतलब सारा काम एक साथ करते हैं। बहुत ही कम बाय चांस होता है जो आगे पीछे हो जाता है, तो इसलिए जब वो सारा काम एक साथ करते हैं तो मुझको भी टाइम आराम से मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात कि मैं सुबह हर हाल में उठ जाती हूँ, रात को मेरी नींद पूरी हो या फिर ना हो। और जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो इस तरीके से आप भी अपने लिए बिल्कुल टाइम निकाल सकती हैं। बट शुरुआत के 1 साल टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो आप बस थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि ट्विंस है तो दिक्कत तो होगी होगी पालने में, वो भी अकेले। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। और धीरे धीरे कब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और मुझे भी शुरुआत में लगता था कि पता नहीं मैं कैसे संभालूंगी, अभी तो इतने ही बड़े हुए हैं। तो बस आपके साथ भी यही फीलिंग होने वाली है। एंड उसके बाद में क्या होता है कि जब बच्चे बैठने लग जाते हैं तो आप कोई भी काम करिए तो बच्चे वहीं पे लगे रहते हैं। जब मेरे बच्चे प्रॉपर खेलने लगे, बैठने लगे, तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी किचन में काम करती हूँ तो वो सब्जियों में लगे रहते हैं। और जब भी मतलब मैं कुछ भी करती हूँ तो उनके सामने कोई खिलौने डाल देती हूँ, कुछ भी डाल देती हूँ जिसमें वो व्यस्त रहते हैं। तो आप भी ऐसा करें, जब बच्चे ऊपर का खाना स्टार्ट करते हैं तो आप उनको कुछ ना कुछ पकड़ा दें, जैसे केला है या सेब है, आप जो है उनको केला पूरा पकड़ा दें, आप उनको सेब दे दें, उसमें वो काफी देर तक लगे रहेंगे, इससे आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि गंदा कर लेंगे, इसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें। आप उनको किसी ना किसी चीज में व्यस्त रखें, कुछ नहीं तो आप उनको कॉपी पकड़ा दें, उसके पेज पलटते रहते हैं। तो इस तरीके से मैं उनको किसी न किसी काम में व्यस्त करके अपना टाइम आराम से निकाल लेती हूँ। तो आप भी ये जरूर करें, क्योंकि ट्विंस जब हम दूसरों के देखते हैं ना तो एक साथ देखने में ही अच्छे लगते हैं, सुनने में ही अच्छे लगते हैं, बट जब अकेले संभालना पड़ता है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और लोग मुझसे पूछते भी कि आप कैसे संभाल लेती हैं, तो मैं बता दूं बच्चे मेरे हैं तो मुझे तो संभालना ही संभालना है। और आपके साथ भी यही होगा कि आपको संभालना तो है ही, हम कहीं जा भी नहीं सकते। आप चाहे फिर हंस के संभालें या फिर आप रो के संभालें, आपको संभालना तो पड़ेगा ही। इसलिए बेटर होगा कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें और अपनी स्पीड को जरूर बढ़ाएं, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और मैं इस समय इतनी स्पीड में काम करती हूँ, तब जाके मैं मैनेज कर पाती हूँ, तब जाके मैं वीडियो के लिए टाइम निकालती हूँ। तो इसलिए आप भी ऐसा ही करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।